हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका राज राठौर शो के इस एपिसोड में। और मैं हूं एडवोकेट राज राठौर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरटीआई के बारे में। आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में, यानी सूचना के अधिकार के बारे में। इस वीडियो में आप जानेंगे आरटीआई के बारे में बहुत सी ज़रूरी बातें, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको सारी चीज़ें एकदम साफ साफ और क्लियर शब्दों में समझ आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन का कानून, ये एक ऐसा कानून है जो आपको सूचना का अधिकार प्रदान करता है। आरटीआई कानून 15 जून 2005 को अस्तित्व में आया था। इस कानून के तहत आप सरकारी दस्तावेजों की प्रतिलिपि, रिकॉर्डों का निरीक्षण, दस्तावेजों या रिकॉर्डों की प्रस्तावना का सारांश, नोट्स, प्रमाणित प्रतिलिपि यानी सर्टिफाइड कॉपी, फ्लॉपी, प्रिंटआउट, डिस्क, वीडियो सामग्री इत्यादि की जानकारी आरटीआई के तहत आप प्राप्त कर सकते हैं। आरटीआई से कोई भी सूचना प्राप्त करने के लिए आपको एक फॉर्म भरकर देना होता है। ये फॉर्म आप प्रिंटआउट से भी निकाल सकते हैं या फिर आप हाथ से भी लिखकर दे सकते हैं। और ये फॉर्म जो है वो आपको संबंधित विभाग के, संबंधित डिपार्टमेंट के जन सूचना अधिकारी को भेजना होता है या पर्सनली जाकर देना होता है। दोस्तों, आरटीआई के लिए सिर्फ 10 रुपये की फ़ीस लगती है। और अगर आप बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन में की कैटेगरी में आते हैं तो ये आपके लिए एकदम निःशुल्क यानी फ्री है। ये 10 रुपये का पेमेंट जो है आप डिमांड ड्राफ्ट डीडी या फिर आप जो है वो डाकघर में मिलने वाले पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से भी कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा सुनने में भी आता है और सवाल ये है कि कई बार जब हम आरटीआई फाइल तो कर देते हैं पर उसका जवाब नहीं आता है तो क्या करें। तो फ्रेंड्स, ऐसे में आरटीआई एक्ट का सेक्शन 19 सब क्लोज A1 और सब क्लोज 3 में ये कहा गया है कि पहले वाले आरटीआई का जवाब यदि 30 दिनों के भीतर नहीं आता है तो आप दूसरी आरटीआई 90 दिन के भीतर दाखिल कर सकते हैं, दूसरी अपील दायर कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग अज्ञानतावश आरटीआई का आवेदन गलत डिपार्टमेंट पर भेज देते हैं, तो ऐसे मामले में जवाब आने में थोड़ी देरी हो जाती है, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में आपने आरटीआई को भेजी है वो सही डिपार्टमेंट में आपकी आरटीआई को ट्रांसफ़र करेगा और इस प्रक्रिया में थोड़ा टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स, आपने ये तो जान लिया कि आरटीआई क्या होती है, इसे कैसे फाइल करते हैं। अब आपके लिए एक बहुत ज़रूरी बात, आप आरटीआई फाइल करते वक्त इस बात का ध्यान जरूर रखें कि राइट टू इन्फॉर्मेशन कानून एब्सोल्यूट नहीं है। इसके अंदर भी कुछ रेस्ट्रिक्शन हैं, कुछ जो है अपवाद हैं। जैसे आरटीआई के तहत वो सूचना नहीं दी जाती है जो हमारे देश की अखंडता, एकता और सुरक्षा के लिए खतरा हो, या फिर किसी विभाग की आंतरिक जाँच को जो सूचना आप मांग रहे हैं वो प्रभावित करती हो, तो ऐसी सूचना आपको नहीं दी जाएगी। आरटीआई जो है इसका इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों की जानकारी खुलासे के लिए होता है। लोग विभाग की, पर्टिकुलर विभाग की जानकारी प्राप्त करने के लिए आरटीआई का इस्तेमाल करते हैं, वो सब ठीक है। लेकिन आरटीआई में ऐसी कोई सूचना मांगी गई है जो हमारे देश की सुरक्षा को खतरा हो, जैसे डिफेंस सिस्टम को से रिलेटेड आरटीआई से अगर आप कोई सूचना मांगते हैं तो वो सूचना आपको नहीं दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, अगर आपको हमारा काम पसंद आया है तो आप हमें लाइक करके बता सकते हैं, अगर नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।